जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो हमको, हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ओ हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। Hey guys, welcome back to my channel. Hi hi channel, hi hi channel. तो जी हम आ गए हैं और फुल मून की एनर्जीज चेक करने के लिए आए हैं, रैंडम रीडिंग जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। और टैरो क्लासेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम शेयर कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो पोस्ट की थी यानी आज ही, उसमें हमने टैरो क्लासेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स उसमें बता दी हैं, ठीक है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार एक ही बात रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है रैंडम रीडिंग में, देखते हैं किसकी एनर्जीज आती हैं, आपकी आती है या किसी और की एनर्जीज आती हैं या जो भी आपके आसपास की एनर्जीज आती हैं। वैसे भी आपको तो पता ही है कि इससे पहले जो मैंने रीडिंग की थी करंट फीलिंग्स की यानी झटकेदार फीलिंग्स की एनर्जीज बहुत अच्छी थी किसी पर्टिकुलर पर्सन की। तो देखते हैं क्या चल रहा है, ये फुल मून एनर्जीज चेक इन है, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग करते हैं स्टार्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं karmatarot1111@gmail.com और रीडिंग्स 48 आवर्स के अंदर डिलीवर होंगी, ओके। वैसे हम जल्द से जल्द कर देते हैं लेकिन अभी हमने जो है 48 आवर्स का टाइम रखा है कुछ समय से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी जाने लीजिएगा। Somebody is about to approach you. कोई चाहता है आपकी तरफ आना लेकिन एनर्जीज बहुत स्लो है, बट स्लो का मतलब तो भाई अच्छा ही होता है। हम कहते हैं देर से आओ बट दुरुस्त आओ, है हमारे कलेक्टिव्स के लिए, हमारे सारे जो भुक्तभोगी हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। डजेंट हैव टू बी कि ये कोई पर्सन ही हो, बट हमें लगता है कि ये कोई पर्सन हो सकते हैं क्योंकि मून है, फुल मून है, साथ ही साथ एक्लिप्स भी है आज, तो किसी की एनर्जीज हैं डेफिनेटली। हमें श्री राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने शोकेस में, राधा कृष्ण सोलमेट आपके ये हो सकते हैं। ये लव सिचुएशन ही हमें ज़्यादातर, हमें ये लव सिचुएशन लग रही है, बट हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, बट पता नहीं, हमें पता नहीं क्यों लव सिचुएशन लग रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। समबडी वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, देखते हैं कौन है ये पर्सन, किसकी एनर्जीज हैं ये अभी पता चलेगा, ठीक है। फुल मून पे दो कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ओके, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये देखिए, ये ना, ये वो पर्सन है, हाँ जी पर्सन ही है ये कोई, ये पर्सन जी आप इनको जानते हैं, ठीक है। पहली बात आप इनको जानते हैं, इनकी एनर्जीज इस समय ऐसी हो रही है कि
बहुत अकेला फील कर रहा है। देखिए थोड़ी बहुत एनर्जीज बिल्कुल वैसी सिमिलर सी आ रही हैं। समबडी इज़ फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है, बहुत ही अलग थलग दुनिया से अपने आप को फील कर रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइक लिटरली कोई चाहता है कि आपसे कनेक्ट करे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन है ये पर्सन। ये पर्सन इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन पर्सन के ज़िंदगी में जिससे इस समय ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे प्रूव कर रहे हैं अपने आप को सॉलिड तरीके से। ये आपके ट्विन फ्लेम और आपके सोलमेट ही हैं जो ये वापस आ रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं, शायद जिनकी रीडिंग आपने देखी हो इससे पहले वाले वीडियो में, ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, कोई न्यू पर्सन के चांसेस हमें नहीं लग रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। और ये वो पर्सन है जो जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग थलग है, ना सिर्फ इनको आपने अपने लाइफ से शर्ट कट आउट किया है, बाकी दुनिया से भी ये थोड़ा कटे कटे से हैं इस समय, तन्हा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कार्ड आया है ओ, तो ये भी चल रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, देखिए इस बार आर या पार वाली सिचुएशन है इस पर्सन के लिए। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज हैं। ये पर्सन एक स्टेप लेना चाहते हैं, वन एट अ टाइम, नॉट अ बैड थिंग, वन एट अ टाइम, कोई बात नहीं, एक टाइम पे एक स्टेप लेना बहुत अच्छी बात होती है। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि भाई देर आए दुरुस्त आए कोई भी आपकी लाइफ में, एक स्टेप कर लेते हुए आए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में तुरंत हवा में तीर चलाते हुए एकदम ऐसे आए और वही वापस से चले जाएँ। जैसे कि आपको मालूम है नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज होती है, बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एज द बेस्ट एंड हैंडसम नाइट्स अमंग द टैरो डेक, मतलब टैरो कार्ड्स में। ठीक है, तो सबसे अच्छा टिकाऊ अगर आपको चाहिए होता ना वो पर्सन, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होना चाहिए या फिर नाइट ऑफ कप्स होना चाहिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं भाई, जल्दी आए जल्दी गए। देखिए हमको लग रहा है जो लोग स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट और नो लेस कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है, आपकी इस स्टैग्नेंट सिचुएशन पे एक विराम लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस फुल मून पे, इस क्या बोलते हैं जो हम बता रहे थे ना अभी, फुल मून के अलावा भी तो कुछ है ना, अरे क्या है, अरे वही, हाँ एक्लिप्स, ग्रहण भी लगा हुआ है ना भारत में, अदृश्य है या जो भी है बट लगा तो हुआ है ना, एक्लिप्स तो है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जीज किसी की ऐसी हो रही हैं इस समय, देखते हैं। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, सॉरी, बहुत एग्जॉस्टेड, समवन फील्स वेरी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लाइफ वट एवर दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। मतलब बहुत ही थका सा अप्रोच है, मतलब अगर ये पर्सन आए भी तो ऐसे उबासियाँ लेते हुए आएंगे शायद, क्या चल रहा है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में ना स्लो है, लेथार्जिक हो सकते हैं, doesn't have to be, I'm getting intuitively, ऐसी चीज़ें हमें फील हो रही हैं इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, जैसे बिल्कुल प्लेन पेपर होता है ना, प्लेन पेपर एकदम प्लेन, जहाँ पर वाइट, ब्लैक, अरे कोई भी कलर हो प्लेन, उस पर एक डॉट अगर आप देंगे तो उस पेपर में वो डॉट आपको दिखेगा, राइट, दिखेगा डार्क सा, मतलब एक डॉट अगर उस
प्लेन पेपर में आप एक डॉट डालेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा। तो ये आपके रिलेशनशिप में हमें ना कुछ ऐसा डॉट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह है, प्लेन है, कुछ उसमें हलचल नहीं है। अगर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन चल रहा है, कोई भी हलचल अगर नहीं है, तो उसमें एक डॉट जैसा एक जेस्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको दिखेगा कि चलो भाई एक बिंदी तो लगी हमारे रिलेशनशिप में, एक मोहर हमें लगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सा, बहुत अच्छी एनर्जीज है। दिस पर्सन ऑल्सो कीप्स एन आई ओवर यू, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। डजेंट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं आपको कुछ समय से, या पहले देखते होंगे, डजेंट हैव टू बी, माइट बी पॉसिबल, बट अभी रिसेंटली अगर इनके पास आपकी तस्वीरें हैं पुरानी, ये वो देख रहे हैं, ओके, सोशल मीडिया पे आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी पिक्स देख रहे हैं ऐसी एनर्जी से, ओके, एक ही बात है, पेज ऑफ सोर्ड्स स्टॉक तो कर रहे हैं ना, देख तो रहे हैं ना, पुरानी पिक्चर्स हो, नई पिक्चर्स हो, बट दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ओवर यू फॉर श्योर। और एक रिलेशनशिप में एक जेस्चर ये पर्सन कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि अभी भी सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जीज ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपको ये रीडिंग देखने के बाद ही शायद आपको कोई कॉल मैसेज आए, ऐसी एनर्जीज हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम यूजुअली, आपको पता है, एक दिन में दो दो रीडिंग्स नहीं लाते हैं, लेकिन आज लेके आए हैं क्योंकि आई वॉज पुश्ड टू। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जस्ट पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे की पोजिशन में एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन, हमने बोला ही, प्लेन पेपर पे एक डॉट लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें जो फील होता है, आई लेट यू नो व्हाट आई फील, राइट, तो जो चीज़ हमें फील हो रही है, जो चीज़ आई एम गेटिंग राइट नाउ, वो यही है कि एकदम प्लेन सा रिलेशनशिप अगर चल रहा है, जिसमें कोई एडवेंचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, उसमें एक डॉट लगता हुआ, ये देखिए डॉट हमारे हाथ पे है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे किसी ने पामिस्ट्री की थी अभी रिसेंटली, हम आपको बताते हैं, हम आपसे सब कुछ शेयर करते हैं ना, उन्होंने बोला कि ये डॉट इमीडिएट बेसिस पे आप इसको हटा दीजिए अपने हाथ से, यहाँ से ये आपके रेपुटेशन पे कालिख पोतने वाला डॉट है, ऐसा उन्होंने बताया। और देखिए, इसको हटाना, हमें दर्द होगा ना, पेन होगा ना, वैसे भी ज़िंदगी में पेन कम तो है नहीं हमारे, आपको पता है, और लांछन भी बहुत लग चुके हैं, ठीक है, तो अब आगे इस उम्र में जाके और क्या ही लांछन लगेगा, और अगर लगता भी है तो हम यही सोच लेंगे भाई इसकी वजह से लगा है, ये वो डॉट है जिसकी वजह से लांछन लग रहे हैं, क्या करेंगे। और वैसे भी भाई हमारे तो पांव कब्रों में है, होता है ना, देखिए अब आप फिर ट्रिगर होंगे और फिर बुरा मानेंगे, हमें पता है, कोई ना कोई ऑफेंड होगा और कमेंट करके हमें ज़रूर डांटेगा, पक्का डांटेगा, हमें पता है आप ऐसे क्यों बोलते हो, भाई जाना है ना, एक दिन जाना है ना, और आप लोग बोलते हो ये नेगेटिव चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सी आई एम साइकिक, हमें ये सब चीज़ों से हम यूज्ड टू हैं, और हमको ऐसा लगता है एंजल्स हमसे बुलवाते हैं, माइट बी पॉसिबल कि हमारे जाने का वक्त आ रहा हो, इसलिए हम बार बार ऐसी बातें बोलते हैं, हो सकता है
क्योंकि कुछ भी ज़िंदगी में हो सकता है। हम आपको इसीलिए कहते हैं कि टैरो हम हमारे चैनल को देखने की आदत मत बनाइए, और जब हम नहीं आते एक दो दिन तो आपके मैसेजेस आ जाते हैं, वो अछार कर देते हैं आप कि मैम आप ऐसे गायब हो जाते हो, आपकी रीडिंग्स नहीं आती है, हमको आपको देखना है। हम आपको इसीलिए बोलते हैं कि हमारी आदत मत लगाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी की क्या गारंटी है। अब मान लीजिए कोई गलत हम पे आरोप लग गया, कुछ भी ऐसा हो गया इस चीज़ की वजह से, तो क्या पता कुछ हमको ऐसा कुछ कर जाना पड़े, क्योंकि हर समय आपको पता है ना हम ट्रिगर होते हैं, आई एम वेरी इमोशनल, आपको ये भी पता है। सी आई एम एन ओपन बुक, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमने अपने बारे में ऑलमोस्ट या सब कुछ ही आपको पता ही है, सब कुछ वॉट एवर द थिंग इज, बट यू आर द हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इस पर्सन की बहुत खुशी है, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। आई एम रिपीटिंग इट सेल्फ बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रीडिंग की थी जनरल कलेक्टिव करंट थॉट्स की, यानी झटकेदार फीलिंग्स जो हम करते हैं उसमें भी ऐसी ही एनर्जीज आई थी। इस पर्सन को आपको हर हाल में खोना नहीं है, अपनी लाइफ में रखना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक लॉयल रिलेशनशिप को दर्शाता है, जेन्युइन प्योर स्टेबल, ठीक है, जिसमें शांति हो, जिस रिलेशनशिप में सुकून हो। ये पर्सन ऐसे ही रिलेशनशिप की कामना करते हैं, ठीक है। तो इस समय ये पर्सन बहुत 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 लेफ्ट आउट है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी ने इसको धुतकार दिया है कि जाओ यार जाओ, मतलब जहाँ जाते हैं, जहाँ किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ बींग अंडर एस्टिमेटेड। तो इनको अब यार आपकी याद आ रही है कि यार जो अच्छा ट्रीट करता था हमने उसकी कदर नहीं की, बट राइट नाउ इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन हर हाल में आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, सहेज के संभाल के। ऐसा पर्सन हर किसी की ज़िंदगी में आए, जो भी ये पर्सन है, ठीक है, इतने अच्छे जेन्युइन इंटेंशंस, इतने अच्छे, बहुत जेन्युइन इंटेंशंस है इस समय। क्योंकि देखिए रियलाइज अल्टीमेटली कभी ना कभी तो होना ही है कि ज़िंदगी में क्या आपने खोया है और क्या आपने क्या क्या चीज़ें आपने पाई हैं। इस पर्सन को अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। हाँ, आप इनके लकी चार्म थे, हमें नहीं पता था कि किसी पर्सन की एनर्जीज आएंगी, बट आई हैं। हम तो रैंडम एनर्जीज चेक कर रहे थे कि आपके आसपास चल क्या रहा है, ये भी आपके आसपास चल रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा प्राणी है, ठीक है, ऐसा जीव है जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। देखिए बुरा सोचने वालों की तो कमी नहीं है ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, माइट बी पॉसिबल, हम हमेशा नहीं कहते, आपको पता है हमेशा नहीं कहते, माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है, हो सकता है इस पर्सन को चूज़ करना पड़ रहा हो आप दोनों में, थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। हमें ऐसी पर्सनल वाली वाइब्स आ भी रही हैं और नहीं भी आ रही हैं, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपिएगा नहीं कि हाँ मैम एक ना एक 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 और लड़का है, एक और लड़की है, एक थर्ड पार्टी है, ऐसा शांत शांत बालकों, शांत, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपने का, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है। अगर फैमिली एग्री नहीं करेगी तो चीज़ें कहाँ हो पाएंगी। देखिए हर चीज़ फैमिली की मर्ज़ी से होना बहुत अच्छी बात होती है। देखिए हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप को क्यों ठहराएंगे, अगर फैमिली की मर्ज़ी से जो चीज़ें होंगी तो ज़िंदगी भर आपको उनका सपोर्ट भी रहेगा, साथ भी रहेगा कि यस वी वर देयर, हम लोगों ने खुद आप लोगों की जो है आप लोगों को सेटल डाउन किया था,
तो अगर चीज़ें आगे जाके ख़राब होती हैं तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ना मैटर में, कम से कम चीज़ें सुलझाने के लिए भी वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज, टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। अब अभी बहुत अच्छा मामला है, ठीक है, दो दिन बाद फिर मामला बिगड़ गया, हु नोज किसके। अब बहुत सारी आपको भी पता है लव मैरिजेस हो रही हैं बड़ी बड़ी धूमधाम से हो रही हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ में भी हो रही हैं, आपको पता होगा। और एग्ज़ाम्पल हम किसका दें आपको, बिग बॉस में एक कपल आया था रिसेंटली, आपका अगर आपको पता हो, ठीक है, बिग बॉस में एक रिसेंटली कपल आया था और हमने देखा नहीं है, हमको हमारी भांजी बता रही थी कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस उनके बीच में हुई हैं, और दिस इज़ अ वेरी वेल नोन कपल, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत अगर आपको याद हो, उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत रिलेट करता है ये कपल। बट चीज़ें देखिए ना, मतलब कितनी ख़राब रही हैं, अब पता नहीं स्क्रिप्टेड रहा है ड्रामा करने के लिए, लाइमलाइट पे आने के लिए, या लेकिन ऐसे कौन बात करता है यार अपने हस्बैंड से यार अपनी वाइफ से, ऐसे कौन बात करता है। तो स्क्रिप्टेड अगर होगा भी तो भी बाद में वो चुप, यार तुमने ऐसे कैसे बोल दिया यार, हाओ, तो मतलब बुरा लगता है, इंसान को बुरा लगता है, इंसान है ना। कहने का मतलब यही है कि लव मैरिज हो रही है खुशी खुशी से, आपकी मर्ज़ी से हो रही है, बाद में जाके चीज़ें क्यों ख़राब होती हैं, क्योंकि प्लैनेट्स और चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, आगे जाके कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ अनसेड थॉट्स, टाइम की कमी, ये सब चीज़ें होती हैं ना, चीज़ें ख़राब करने के लिए, रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टीज़, जो भी है, कई बार तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप को बर्बाद करने में। तो सी, इट्स नॉट ईजी, ठीक है, लव मैरिजेस आर नॉट ईजी एट ऑल, ये आपको भी पता है। और अगर वो बैकग्राउंड अलग हो, स्टेटस अलग हो, कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, फिर तो मतलब उसमें तो बल्कि मतलब हालत ख़राब कर देने वाली बात होती है। पेज ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, पहले आ चुका था, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन, दिस इज़ अ वेरी यंग काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, डजेंट हैव टू बी, अगर आपसे ये एज में बड़े भी हैं तो इनके थॉट्स ना, वो होता ना दिल जवान है इनका, ऐसी एनर्जीज हैं, तो उसी दिल से सोचते हैं ये, बहुत ही मासूम सोच इनकी, ठीक है, बहुत ही प्योर सोच इनकी, जिसमें कोई मिलावट नहीं है ज़्यादा एक्सपीरियंस की, भाई बहुत बड़ा बड़ा सोच, नॉर्मल एक होता है ना, एक नॉर्मल छोटा सा घर हो, छोटी फैमिली हो, जिसमें हम फैमिली भी इन्वॉल्व हो, माँ बाप इन्वॉल्व हो, कुछ ख्वाब है इनके, कुछ ख्वाब है इस पर्सन के जो ये देखते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन चीज़ें ईजी हो, इनकी इच्छा है कि चीज़ें ईजी हो, आगे जाके स्मूथ रहे चीज़ें, इसकी एनर्जीज हैं, ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो हैं ही फॉर श्योर, ठीक है, एक कार्ड आया है सोलमेट, नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये सिक्स ऑफ कप्स लगा था, ठीक है, बट हमने सोलमेट फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखा, तो उसको देख के हमने बोल ही दिया आपको, यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, तो आप जानते होंगे डिवाइन काउंटर पार्ट क्या है, भाई इतने टाइम से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, पता होगा ना, डिवाइन, दैवीय, ठीक है, जिसको ऊपर वाले की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा जाता है, ठीक है, कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, एक दूसरे से आप सीखते ही हैं, वही है कि आप लोगों का यूनियन जो है वो कब होता है, जब आप दोनों सेम पेज पर आते हैं, सेम लेवल पे, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ओवर गिविंग, ओवर रिसीविंग, ओवर अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए,
ऐसी चीज़ों की वजह से जैसे ही बैलेंस गड़बड़ाता है वहाँ पर रनिंग चेजिंग शुरू हो जाती है, और आप पूरी तरीके से क्योंकि इस प्यार में पागल हो चुके होते हैं, तो जब सामने वाला भाग रहा होता है तो आप उसको पकड़ रहे होते हैं टॉम एंड जेरी की तरह, या फिर इसका स्विच हो जाता है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका होता है और आप जब आपको लगता है कि यार ज़्यादा टाइम तो दे नहीं रहता हो रहा है, तो आप थोड़ा सा जैसे ही आप थोड़ा सा कल्टी मारते हैं ये आपके पीछे भागते हैं, रनिंग चेजिंग ऑन ऑफ ये चलता रहता है। आप समझ रहे हैं? डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? दैवीय, ठीक है, होली, होली, अरे हैप्पी होली, हमने HOLY वाला होली बोला, ठीक है, बट हम आपको बताना चाहते हैं कि हैप्पी होली आप सबको, ठीक है, खुश रहिए भाई, कलरफुल लाइफ हो आप लोगों की, भगवान जी आपकी ज़िंदगी में भर भर के रंग लाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रीडिंग हमें रैप अप करने को यहाँ पे गाइडेंस है, बोला जा रहा है कि बस ख़त्म रीडिंग, बट स्टिल हम ज़बरदस्ती एक कार्ड ले रहे हैं, एक कार्ड आने यही आना था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और ये इसी पर्सन की एनर्जीज है। ये पर्सन हालांकि स्लो हैं बट क्योंकि ये मून और एक्लिप्स का टाइम है, हाई लो हो रहा है, यानी अभी जाऊं अभी चीज़ें सॉर्ट आउट करूं या बाद में करूं। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई दो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो पक्का पुराना वाला ही पर्सन है, पुराना वाला जिसके बारे में शायद आप जानते हैं इनको, ठीक है। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर ये सेम पर्सन नहीं है, क्योंकि हमने हाई लो वाली भी बात बताई है कि इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि अभी एक्शन ले लूँ या बाद में लूँ, तो क्योंकि इनको बहुत जल्दी में मतलब होता है ना कि यार बहुत देर हो रही है, ये पर्सन हमारे हाथ से निकल ना जाए, इनको अपनी लाइफ में बहुत सहेज कर समेट कर रखना है हमें, तो और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई दूसरा पर्सन अगर हुआ तो ये नया है, इनको आप नहीं जानते, इनको आप नहीं जानते, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप्स, समझ आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? रियूनियन, जाइए मजे करिए। देखिए ये होगा तब व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट, जब आप सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़ें तब होंगी आपकी लाइफ में, ओके? तो अभी जो हमें मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, हमने आपको बता दिया, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके फेवर में ही वर्क कर रही हैं, यूनिवर्स इज़ पुशिंग दिस पर्सन, हुएवर दे आर, इनको मतलब एक बहुत अच्छा खासा नज मिल रहा है, मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि करो या मरो वाली स्थिति है अभी, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, चांद तारे तोड़ लाने वाले जो है सिचुएशन है यहाँ पे, जिस पर्सन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन डू एनी थिंग, जो भी ये पर्सन है बस जो भी करना है इस पर्सन को, जो भी पर्सन है ये, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि बस जो मर्जी करो, चांद तारे तोड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जेन्युइन इंटेंशंस दिखाइए और हमारे जो भुक्तभोगी हैं वो आपको ऐसे निछावर हो जाएंगे, आपके सामने फैल जाएंगे और आपको जो है माफ़ कर देंगे कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे भुक्तभोगी बहुत इमोशनल हैं और बहुत अच्छे हैं, वो एक झटके में आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन वही है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं और आपकी जो माफ़ी है वो जेन्युइन हो, वो लॉयल हो, वो प्योर हो, उसमें कोई भी खोट या छल कपट ना हो कि बस अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ कुछ इरादे से, कुछ साजिश करने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो करवा देवता की लात पड़ेगी इनको, एज सिंपल एज दैट। हमको ना इरिटेशन हो जाती है एकदम से ना, जैसे हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे भुक्तभोगियों को सताएंगे हैं, तो भाई कर्मा देवता की लात पड़े ऐसे लोगों को, बट यहाँ पे जो इंटेंशंस है जिस भी पर्सन के हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उम्दा हैं, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस दिस पर्सन, और ऑल्सो
आई गॉट समबडीज एनर्जी, अ न्यू पर्सनस एनर्जी इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया पर्सन भी जो है वो आपको अप्रोच करे, ठीक है, आपकी लाइफ में आए. कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है. इस पर्सन से आप किसी फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू मिलेंगे, जो भी ये पर्सन है, पता नहीं हमें ऐसा बोलने को बोला गया एंजल्स द्वारा, तुमने बोल दिया. मतलब कहीं पर, कहीं गेट टुगेदर, किसी सेलिब्रेशन में, कहीं पे जहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही हो. ये ऑनलाइन वगैरह का मामला नहीं दिखाई दे रहा कि आप इनसे ऑनलाइन वगैरह मिले. ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, इनसे आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही मिलेंगे. ओके, तो ये बताना था हमें भाई. रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इसी फुल मून पे है. भगवान करे हमारी बात सच हो, क्योंकि हम हमेशा बोलते ना कि जब कोई अच्छी सी बात हम बोले, भगवान हमारे ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो जाए और ये बात सच हो जाए. एक बार फिर बोलते हैं, आपका रीयूनियन हो रहा है इसी महीने, ठीक है, इसी महीने. जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब आप उसी महीने पे लगाइएगा. तो अगर आप ये रीडिंग बार बार हर महीने देखेंगे तो आपका उसी महीने ये एप्लीकेबल होगा. जी हाँ, आपका रीयूनियन हो रहा है, हमने फिर से बोला. एक बार फिर बोलें, सरस्वती माँ बैठ गई तो जबान पे है. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है. जी हाँ, 2024 में कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रीयूनाइटिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट. गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए. डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है. थोड़ा सा आशीर्वाद हमें फेंक के मारिएगा. और साथ ही हैप्पी होली. होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से. आपकी होली कलरफुल रहिए, कलरफुल रहे, और आप खुद भी कलरफुल रहें, दूसरों की लाइफ को भी कलर से भरते रहें. क्योंकि हम बोलते हैं ना, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड. और दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, ठीक है. तो चलिए अभी हम चलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, karma.tarot1111@gmail.com. और टैरो क्लासेस के लिए भी आप हमें उसी मेल पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. और डिस्क्रिप्शन आप पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं डिस्क्रिप्शन कहाँ है. डिस्क्रिप्शन ये रहा हमारे सर पे, ये देखिए, ये रहा डिस्क्रिप्शन. दिखाई दे रहा आपको, ये रहा डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे है. कोई बात नहीं, हर किसी को सब कुछ नहीं पता होता है. डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे है. वो हमारा वाला डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है आपको. जो अबाउट मी पे हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो नहीं देखना. जो वीडियो आता है, वीडियो के नीचे जो टाइटल लिखा होता है ना, जिसमें हम लिखते हैं झटकेदार फीलिंग्स, उसके नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा. आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, वीडियो के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं. हमारा वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो उसके नीचे जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कीजिएगा. वहाँ पे आपको दिखेगा एक डिस्क्रिप्शन नाम की भी चीज़ है. जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें पूरा सा एक बड़ा सा चार्ट सा खुलेगा, जिसमें आपको सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी. टैरो क्लासेस से अवेलेबल भी और टैरो रीडिंग से अवेलेबल भी. चार्जेस वगैरह की सारी डिटेल उसमें मौजूद है, ठीक है. तो चलिए अभी हम चलते हैं. और थैंक यू, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आपके, हमने देखे. सबको हार्ट मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है. अभी भी क्योंकि इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं तो और भी कमेंट्स आ रहे होंगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे. तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने सबने हमको होली विश किया है. तो आप सबको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ. बहुत कलरफुल रहे आपकी होली, और भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे. दिल से ये दुआ है हमारी कि आप लोग हमेशा खुश रहें. तो चलिए अब हम चलते हैं. अभी के लिए बस इतना ही. बाय.